मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कार्गो जहाज से लटक रहा होता है वहां अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करता है उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए हवाई जहाज से नीचे छलांग लगा देता है तभी हमें नेट के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बिल्डिंग ऐसी नीचे गिर रहा होता है की तभी उसका भाई सैम उसको जल्दी ऐसी अपना हाथ देकर उसको ऊपर खींच लेता है नेट बच जाता है अब यहाँ ऐसी फिल्म की शुरुआत होती है नैक और सैम दोनों अनाथ होते हैं सैम के बाद बनाए गए नक्शे को चुराने की कोशिश करता है नैक भी उसके पीछे पीछे आ जाता है नक्शा चुराने वाले ही होते हैं कि वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं दोनों को पकड़कर जो अनाथालय की उच्च महिला होते उसके पास ले जाते हैं और वह ऐसा करने पर उनको वहां से बाहर निकाल देते हैं सैम नेट को बोलता है कि उसे जेल नहीं जाना है और वहां से चुप से बाहर निकलकर नेट से वादा करता है कि वह वापस आ जाएगा और उसे अपने पूर्वज सर फ्रांसिस ड्रेक से संबंधित एक अंगूठी छोड़ देता है पंद्रह साल बाद नेट न्यूयॉर्क शहर में बारटेंडर के रूप में काम करता है और अमीर संरक्षकों को पिक करता है विक्टर सुली एक भाग्य शिकारी जो मैगलन चालक दल द्वारा छिपाए गए सैम ट्रैकिंग खजाने के साथ काम करता था नेट को बताता है कि सैम जुआन सेबेस्टियन एलकानो की डायरी चोरी करने में उसकी मदद करने के बाद गायब हो गया नेट सैम से पोस्टकार्ड प्राप्त करना बंद कर देता है सुली को उसे खोजने में मदद करने के लिए सहमत होता है सुली और नेट मैगलन क्रू से जुड़े एक गोल्डन क्रॉस को चुराने के लिए नीलामी में जाते हैं जहां वे मोनकाडा परिवार के अंतिम वंशज सेंटियागो मोनकाडा और मोनकाडा के भाड़े के नेताओं के नेता जो ब्रेडॉक से मिलते हैं ब्रेडॉक के आदमियों द्वारा नेट पर घात लगाकर हमला किया जाता है इसी लड़ाई का फ़ायदा अब सूली उठाता है और उस क्रॉस को चुराने में कामयाब हो जाता है दोनों बार्सिलोना की यात्रा करते हैं जहां खजाना माना जाता है सूली और नेट दोनों मिलकर पूरा प्लान बनाते हैं कि इस चोरी को कैसे करना है और बाकी के दो क्रॉस को कैसे हासिल करना है अब सूली और नेट दोनों बार्सिलोना स्पेन में पहुंच गए थे यहाँ पर सूली अपनी एक क्लोज फ्रेंड के बारे में नेट को बताता है कि बार्सिलोना में तुझे जो भी चाहिए वह सब तुझे क्लोई दे सकती है हो तभी सूली बताता है कि क्रॉस का एक टुकड़ा क्लोई के पास है नेट यह बात जानकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया क्लोई काम साथ में काम करने से मना कर देती है चली जाती है क्लोई जैसे ही जाती है सूली नैट को बोलता है कि अपना बैग चेक करो कहीं कुछ गायब तो नहीं तो उसमें से क्रॉस गायब होता है जो क्लोई चुराकर भाग जाती है और दोनों उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं तो क्लोई आखिर रोक लेते हैं और उसको प्लान बताते हैं फिर क्लोई मान जाती है साथ में काम करने के लिए क्योंकि क्लोई को बस खजाने से मतलब था और यह अपनी तलाश को शुरू कर देते हैं खजाने को ढूंढने की बीच मोनकाडा अपने पिता से बात कर रहा है कि उनके परिवार की सारी दौलत दान की जाएगा और तुम इन पैसों की इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते इस सब को सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है ब्रैडॉक को अपने पिता को मारने का आदेश देता है ताकि वह इसके बदले पैसे का वारिस कर सके और अपने पिता की हत्या करवा देता है ताकि वहां खजाने की खोज की जारी रख सके इधर नेट क्लो और सुली एलकानों की डायरी में सांता मारिया डेल पाई के सुरागों का अनुसरण करते हैं बेदी के पीछे एक गुप्त तहखाना ढूंढते हैं नेट और क्लो प्रवेश करते हैं एक जालसाज ढूंढते हैं लेकिन जैसे ही वे इसे खोलते हैं तहखाना पानी से भर जाता है ब्रेडॉक द्वारा घात लगाकर हमला करने के बाद सुली की बहुत लड़ाई होती है उसको बाहर की तरफ क्रॉस लगाना होता है एक गुप्त मार्ग को अनलॉक करने के लिए दो क्रॉस का उपयोग करते हुए एक क्रॉस अंदर से तो दूसरा बाहर से लगाना था तभी पानी का ढक्कन खुलना था और आखिर ब्रेडॉक दीवार में मारता है और क्रॉस लगा देता है नेट और क्लो की जान बच जाती है और फिर उन्हें एक नक्शा मिलता है जिसमें दिखाया गया है कि खजाना फिलीपींस में है तभी क्लोई नेट को धोखा दे देती है और नेट को बताती है नेट पूछता है क्या हुआ था मेरे भाई के साथ क्लोई कहती है कि तुम्हारा भाई बच सकता था ये सब तुम सुली से जाकर पूछो और नेट को सिर पर मारकर चली जाती है नक्शा ले जाकर मोनकाडा को दे देती है सुली नेट को ठीक करता है और कहता है कि जब उसने और सैम ने एलकानो की डायरी बरामद की तो ब्रेडॉक ने उन पर हमला किया सैम को गोली मार दी गई और मैं बाल बाल बच गया वर्टिकल बार ये सब जानकर नेट वहाँ से चला जाता है इस तरफ मोकाडा क्लोई और ब्रेडॉक की टीम खजाने को खोजने के लिए एक मालवाहक विमान में रवाना होती है लेकिन ब्रेडॉक ने ऑपरेशन पर नियंत्रण पाने के लिए मोकाडा को धोखा दिया और मार डाला नेट और सुली विमान में सवार होते हैं और नेट ब्रेडॉक का सामना करता है क्लोई जो ब्रेडॉक से छिपी हुई थी वहां मिल जाता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है सुली नक्शे के साथ बाहर निकलता है जबकि नेट और क्लो को फिलीपींस में उतरने वाले विमान से बाहर निकाल दिया जाता है जहां उन्हें पता चलता है कि नक्शा खजाने को इंगित नहीं करता है सैम के पोस्टकार्ड द्वारा छोड़े गए संकेतों के माध्यम से नेट को खजाने की सही स्थिति का पता चलता है लेकिन क्लो की वफादारी पर सही ढंग से संदेह करने के बाद नकली निर्देशांक छोड़ देता है वह मैगलन जहाज़ों की खोज करता है और सुली के साथ पुनर्मिलन करता है ब्रेडॉक उनका पीछा करती है नेट और सुली को छिपाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि उसके चालक दल जहाज़ों को एयरलिफ्ट करते हैं उनके भागने में सुली एक हेलीकॉप्टर का कमांडर होता है और ब्रैडॉक एक अन्य हेलीकॉप्टर को बोर्डिंग कार्रवाई के लिए संपर्क करने का आदेश देता है नेट अपना उन भाड़े के सैनिकों और स्थानीय फिलिपिनो मिलिशिया से खुद का बचाव करता है और जहाज के तोपों में से एक के साथ दूसरे हेलीकॉप्टर को मार गिराता है ब्रैडॉक उस जहाज के लंगर को गिरा देता है जबकि नेट हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है नेट को बचाने के लिए सुली ब्रैडॉक में एकत्रित खजाने का बैग भी फेंक देता है ब्रेडॉक समुद्र में गिर जाती है और जब जहाज उस पर गिरता है तो उसकी मौत हो जाती है जैसे ही फिलीपीन नौसैनिक इकाइयां आती हैं नेट और सुली जेबक्तरे वाले खजाने के कुछ टुकड़े लेकर भाग जाते हैं जबकि क्लो खाली हाथ रह जाती है क्योंकि वह दोनों का पीछा करती है इस बीच एक कैद सैम नेट को एक और पोस्टकार्ड लिखता है उसके बाद के दृश्य में नेट और सुली दोनों एक दिखाए जाते हैं नेट रोमन के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलता है जो उसके पास मौजूद नाजी मैप के लिए अपनी अंगूठी पेश करता है वह नेट को धोखा देने की कोशिश करता है लेकिन सुली उसे बचा लेता है वे भाग जाते हैं लेकिन आखिर में पकड़े जाते हैं और वो दृश्य दिखाया नहीं जाता है इसका मतलब अनचार्टेड का अगला भाग भी आएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत बुलना